तेजस्वी यादव जी ट्वीट करने के अलावे अब कर भी कुछ नहीं सकते हैं। वो ट्विटर बॉय के तरह ट्वीट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विकास की गति के प्रति सजग रहा। तेजस्वी जी इस विभाग के मंत्री थे, वो बता दें कि विभाग में कितनी बैठकें उन्होंने की है। हम तो देख रहे हैं कि विभाग में वो बैठक तक नहीं कर पाए हैं। जितने समय उन्होंने रहे विभाग के अंदर, पथ निर्माण विभाग के अंदर, उनकी बैठक तक नहीं पूरी हुई है। विकसित बिहार के बिना भारत विकसित पूर्णतः नहीं होगा। इसके लिए जो भी पहल देश के अंदर करने की जरूरत है, हर स्टेट को आगे बढ़ाना है। नमस्कार, द बिहार टॉप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। एक तरफ देश की बड़ी शादी में शिरकत करने के लिए, देश की सबसे बड़ी शादी कही जा रही है कि हो रही है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की, तो दूसरी तरफ बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां अशोक चौधरी और श्रवण कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी है, तो दूसरी ओर और भी कई नेता जदयू के इस मांग को तूल देने पे लगे हैं। और इन सबके बीच क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, आइए हम उनके बयान को सुनाते हैं। सर, लालू प्रसाद यादव सब परिवार आज मुंबई मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जा रहे हैं। किसी के भी शादी में कोई निमंत्रण है जा रहे हैं, ये कोई बड़ी न्यूज थोड़े है। स्पेशल स्टेटस को लेकर के बात जीतनराम मांझी भी उठा दिए हैं अब, और कह रहे हैं, और लोजपा रामविलास भी कह रही है कि नहीं स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, और आज कल सम्राट चौधरी वित्त मंत्री से मिले भी हैं। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि विकसित भारत बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, और विकसित बिहार के बिना भारत विकसित पूर्णतः नहीं होगा। इसके लिए जो भी पहल देश के अंदर करने की ज़रूरत है, हर स्टेट को आगे बढ़ाना है, वो कार्य किया जाएगा। तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, जिस तरह से सीएम ने विकास को लेकर के, पुल बनवाने को लेकर के रिक्वेस्ट किया इंजीनियर से, उसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और पद की गरिमा के विपरीत बता रहे हैं, बहुत सारी बातें ट्वीट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ट्वीट करने के अलावे अब कर भी कुछ नहीं सकते हैं। वो ट्विटर बॉय के तरह ट्वीट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विकास की गति के प्रति सजग रहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि समय सीमा के अंदर वर्क पूरा होना चाहिए। उसके दो तीन दिन पहले हमने भी विभाग के अंदर इसकी पूरी गहन समीक्षा की थी, और तेजस्वी जी इस विभाग के मंत्री थे, वो बता दें कि विभाग में कितनी बैठकें उन्होंने की है। हम तो देख रहे हैं कि विभाग में वो बैठक तक नहीं कर पाए हैं। जितने समय उन्होंने रहे विभाग के अंदर, पथ निर्माण विभाग के अंदर, उनकी बैठक तक नहीं पूरी हुई है। खाना पूर्ति के लिए एक दो बैठक है पूरे डेढ़ दो साल, पौने दो साल में इस तरह खाना पूर्ति नहीं है। तो आपने साफ तौर पे देखा कि क्या कुछ कह रहे थे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। उन्होंने तेजस्वी के कार्यकाल को लेकर सीधा सवाल खड़ा कर दिया, कहा जब सरकार में थे तो कितनी बैठकें किए थे, बैठक तक नहीं करते थे, कोई काम नहीं होता था, और इस तरह से हमलावर दिखे विजय सिन्हा पूरी तरह से तेजस्वी यादव के ऊपर। आगे क्या कुछ होता है हम आपको उन सब खबरों से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए द बिहार टॉक।